दिस इज क्वेश्चन 2.1. इट्स फर्स्ट पार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब. तो जो ए पार्ट है उसमें अपने से वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में पूछा गया है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड. अपने को साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है लेकिन अपने को आंसर मीटर क्यूब में दे रखा पूछ रखे हैं. तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10^-2 मीटर. तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 10^-6, और ये 3 बार मीटर लिखेंगे. साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड. ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10^-6, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा, 10^-6 मीटर क्यूब. अब इसका सेकेंड पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए. तो अपने को ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है सॉलिड सिलेंडर का, 2πr h + r. यहाँ पर अपन को कुछ चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में. तो अपने को एक तो दे रखा है रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 10. ठीक है, रेडियस और हाइट अपन को गिवन है. रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर. इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो इंटू 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और ये इंटू 10 करके 100 हो जाएगा. तो अब सॉल्यूशन में 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, या 3.14 भी रख सकते हैं. आर अपन को दे रखा है 20 मिलीमीटर, हाइट है अपने पास 100 मिलीमीटर, प्लस रेडियस है 20 मिलीमीटर. तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3.14 × 20 × 120. जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट अप्रॉक्स 1.5 × 10^4, और यूनिट आ जाएगी मिलीमीटर स्क्वायर. तो सिंपली आप जब ऊपर की चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा. तो इस तरह से इसका ये अपन ने बी पार्ट को सॉल्व करा. अब क्वेश्चन का सी पार्ट. सी पार्ट है, एक व्हीकल है जो 18 km/h से चल रहा है, ठीक है ना, उसकी वो पर मीटर मतलब डैश मीटर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चलेगा. तो मतलब बेसिकली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है. तो क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें अपन को दे रखा है 18 km/h, और आंसर चाहिए डैश मीटर पर सेकंड. तो किलोमीटर पर आवर को अपन को यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदलना है. तो किस तरह से बदलेंगे वो देखिए. किलोमीटर पर आर को जब भी मीटर पर सेकंड में बदलना हो अपन 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दें. तो 18 से 18 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 m/s. इस तरह से इस क्वेश्चन का सी पार्ट होगा. अब क्वेश्चन का डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट में अपने से बोल रहे हैं कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3. इसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी. तो क्वेश्चन में अपन को डेंसिटी गिवन है 11.3, ठीक है, और ये अपन को क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी गिवन है. तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4°C. रिलेटिव डेंसिटी अपन को 11.3 दे रखी है. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पूछ रहे हैं. वाटर की डेंसिटी अगर अपन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बोलेंगे तो वो होता है 10^3 मतलब 1000 kg/m³. और इससे अपन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 11.3 × 10^3 kg/m³. लेकिन अगर अपन इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने पास फिलअप है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं. तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी होती है 1 g/cm³. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इधर आ जाएगा. दिस इंप्लाइज डेंसिटी विल बी 11.3 g/1 g/cm³.
तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 11.3 और केजी पर मीटर क्यूब में 11.3 इंटू 10 पावर 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 2.1।